पार्थ को मारा टैनी ने जोरदार तमाचा। भानुशाली परिवार को हवालात भेजना चाहती है टैनी। टैनी ने लगाए भानुशाली परिवार पर एक से बढ़कर एक आरोप। अब क्या होगा भानुशाली परिवार का? ये वही सवाल है जिसका जवाब आप सब भी जानने के लिए बेकरार होंगे। भाई टैनी ने आज घर पर बुला ली है पुलिस और कर रही है भानुशाली परिवार की जमकर बेइज्जती। ये लोग जैसे दिख रहे हैं ना, वैसे बिल्कुल भी नहीं है। इनको देख के तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इनको लेके तो एक पूजा पाठ वाली फिल्म बना सकते हैं, पर ये बिल्कुल गलत है। ये लोग बहुत बड़े धोखेबाज है। ये जो महल आप देख रहे हैं ना, ये तो मासूम लड़कियों को शहर में मोटे आदमी को लड़की बेचने से इकट्ठा किया है। ये लोग बहुत बुरे लोग है। ये लोग मेरे साथ भी ऐसे करना वाले ऐसे करना चाहते थे, पर मैं और देखी मेरे यहाँ पे पति नहीं थी। इनको मालूम नहीं है कि हमने माता जी का खास हाथ छे मेरे पे। वो तो जो न्यूज चैनल दिखा दिया तो मेरे को पता चल गया, इसलिए मैंने आपको बुला लिया। इनको पकड़ लीजिए फटाफट। टैनी की बातें तो सुनिए जनाब। चौल वाली अक्खर टैनी आज कर रही है घर में जबरदस्त बवाल। ये नजारा तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आज टैनी किसी भी कीमत पर भानुशाली परिवार को जेल भिजवा कर ही मानेगी। इतना ही नहीं, टैनी ने पार्थ को भी जड़ दिया है तमाचा। गलत लड़की से पंगा ले लिया तुम लोगों ने। अभी तुम लोग ना हथकड़ी लगवा के जेल में जाने के लिए तैयार हो जाओ और फिर अपनी सेल्फी भी खींचना। कैसी बातें कर रही हो? भाई टैनी का कहना है कि भानुशाली परिवार सीधी साधी लड़कियों का फायदा उठाता है, इसलिए इनकी रहने की जगह हवालात से बेहतर कोई नहीं हो सकती। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इंस्पेक्टर भानुशाली परिवार को गिरफ्तार करने से मना कर देते हैं। अब भानुशाली परिवार ने शहर में इतना नाम कमाया है तो इसका कोई ना कोई असर कहीं ना कहीं तो दिखेगा ना। तभी तो देखिए टैनी की बातों का इंस्पेक्टर साहब कैसे दे रहे हैं मुंह तोड़ जवाब। इस शहर में जितना नाम इन लोगों का शायद आपको अंदाजा है। अच्छा, तो नाम तो कालिया पहलवान का भी बहुत है, पर है तो वो एक नंबर का चोटता ना। उसकी इज्जत तो नहीं मिल जाती ना उसको, क्योंकि उसका नाम होता। वैसे ये लोग भी लड़कियों को बेच बेच के पैसा कमा रहे हैं। अरे बहुत ही खराब लोग हैं, तो उनको पकड़ेगा नहीं। मैंने तेरे को यहाँ लड़की के मुंडन के लिए खाने पीने के लिए नहीं बुलाया, मैंने तेरे को बुलाया है कि तू इनको पकड़ के लेके जा। अभी तू समझा, इनको लेके जा। सॉरी मैडम, अब मैं माता जी का जमाना आ गया। मैं अकेली इन सबसे लड़ रही हूँ और लाखों लड़कियों की इज्जत के लिए, ताकि उसको कोई बर्बाद न कर सके। लड़ रही हूँ और तू रिश्वत की लालच में आके इन जैसे खराब लोगों को छोड़ रहा है। अरे टैनी अब बस भी करिए, इतना गुस्सा कहाँ लेकर जाएंगी आप? आफ्टर ऑल अब आप भानुशाली परिवार का हिस्सा हो चुकी हैं, तो आपकी भलाई इसी में है कि परिवार का सुख दुख में उनका साथ दें, ना कि जेल भिजवाने की दोबारा तैयारी करें। मुंबई से पूजा तिवारी E24।